रामटेक में पंचक्रोशी क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने रावण वध के इस अनोखे और भव्य आयोजन का अनुभव किया। गढ़मंदिर से प्रभु श्री राम का विजय भव का आशीर्वाद लेकर राम के शस्त्र सज्ज निशानों ने जय श्री राम के नारों के साथ डीकी मैदान में रावण का वध किया। इसके साथ ही शूर्पणखा की नाक भी काटी गई। इस अविस्मरणीय और अद्वितीय आयोजन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जहाँ अन्य स्थानों पर रावण का दहन होता है, वहीं अयोध्या और रामटेक में रावण का वध किया जाता है, जो इस आयोजन को विशेष बनाता है। रावण वध का यह आयोजन दर्शकों के लिए आंखों का सुखद अनुभव था। रामटेक का दशहरा उत्सव बहुत प्राचीन और आकर्षक है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक आशीष जायसवाल, SDO प्रियेश महाजन, प्रशासनिक अधिकारी, गढ़ के पुजारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे। उपविभागीय पुलिस अधिकारी रमेश बरकटी और पुलिस निरीक्षक आसाराम शेट्टी के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया था। दशहरे के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को सोना यानी शमी के पत्ते देकर शुभकामनाएं दी और यह आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। मानापुर भोजापुर की सीमा पर स्थित डीकी मैदान में विशाल मिट्टी का रावण का पुतला तैयार किया गया था। रावण के साथ ही उसकी बहन शूर्पणखा का पुतला भी बनाया गया था। सैकड़ों लोग गढ़ पर जाकर राम के निशानों की पूजा कर विजय भव का आशीर्वाद लेकर शस्त्रों से सुसज्जित हो डीकी मैदान की ओर बढ़े। इस दौरान शहर के अखाड़ों ने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए राम के निशानों के साथ मैदान की ओर कूच किया। जय श्री राम के नारों के साथ निशानों के नेतृत्व में अखाड़े और हजारों की भीड़ डीकी मैदान पर पहुंची। जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। राम के निशानों ने रावण का वध किया और शूर्पणखा की नाक कटी। बाकी सेना ने रावण के शरीर के टुकड़े किए और मिट्टी लेकर वापस लौटे। इस मौके पर निशानधारियों और पुजारियों का पात्र पूजन किया गया। अखाड़ों ने शस्त्रों का प्रदर्शन भी किया। रावण वध में शामिल सभी अखाड़ों ने नेहरू मैदान में अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। नगर पालिका की ओर से अखाड़ा प्रमुखों का सम्मान किया गया। आज दसऱ्या निमित्त या ठिकाणी मानापूरच्या ग्राउंड वरती रावण वधाचा कार्यक्रम परंपरेने झालेला आहे आणि हा कार्यक्रम आज जवळपास 8 ते 9 हजार पब्लिक या ठिकाणी हा दहनाचा रावण वधाचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी आलेली होती। जनतेचा अत्यंत शिस्तीमध्ये हा कार्यक्रम साजरा केलेला आहे आणि आता हा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। रामटेकवासियांनी याच प्रकारे शिस्तीमध्ये आणि शांततेमध्ये सर्व जे पारंपरिक सण आणि उत्सव साजरे करावेत असे मी सर्व जनतेला आवाहन करतो आणि रामटेकवासीय जनतेच्या आयुष्यामध्ये श्री राम प्रभू सुख समृद्धी शांती आणतील अशी मी श्री राम प्रभू यांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो आणि सर्वांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। NBC News के लिए रामटेक से सुषमा मर्जीवी की रिपोर्ट।